दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एक कार का जो अलाइनमेंट है वो कैसे किया जाता है, टायर का अलाइनमेंट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पिट के ऊपर जो है गाड़ी को यहाँ पर इस तरह से कुछ खड़ा कर लिया जाता है। खड़ा करने के बाद में चारों व्हील्स के अंदर क्या लगा दिया हमने, टारगेट लगा दिया। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली भैया? अच्छा, गाड़ी उसमें कुछ सेंसर वगैरह रहते होंगे ना। यहाँ पर चारों व्हील्स के ऊपर जो है हमने ये टारगेट को लगा दिया है, और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, चारों टायर के ऊपर हमने ये टारगेट को लगा दिया है। लगाने के बाद में ये सामने रहती है मशीन, और मशीन के ऊपर जो है आपके सेंसर को जो है कैच करने के लिए चार वो लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, जहाँ पर आपके सिग्नल मिलते हैं आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये गाड़ी का हमारा पूरा मॉडल वगैरह आ जाता है कि कौन सी मॉडल की गाड़ी है। इको स्पोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्त? अभी ये हो रहा है इसका। अच्छा, ये ऑटोमेशन शुरू हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने टारगेट लगा लिए थे, वो आ गया, ठीक है। गाड़ी का कैच करेगा ये। अब मैं उधर जाऊंगा तो बीच में डिस्टर्ब होगा क्या? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। देखो, आप वहाँ पर सिग्नल जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, ब्लिंक कर रहे हैं वो, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसकी रीडिंग ले रहे हैं, और आपको सारी चीज़ बता देंगे। ये जो आगे जो लगे हुए हैं ना टारगेट, या पीछे भी जो लगे हुए हैं, वहाँ से सिग्नल इसको मिल रहे हैं, यहाँ पर रिसेप्टर को मिल रहे हैं। ये रिसेप्टर इसको कह सकते हैं मेरे ख्याल से, और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शो होंगी कि कौन से। इसके अंदर अपन एडजस्टमेंट करते हैं हरिकेत भाई, तो आगे पीछे करेंगे, है ना? आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, भैया जो है गाड़ी को आगे पीछे कर रहे हैं, हिला रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये मैनुअल हिला रहे हैं, जिससे कि हमारा टारगेट की पोजीशन थोड़ी ऊपर हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी चीज़ें सिग्नल के द्वारा कैच की जा रही हैं। और यहाँ पर क्या इंप्रेशन आ रहा है सामने, आप देखेंगे कि गाड़ी भी मूव कर रही है। यहाँ पर देखो, इस तरह से मूव कर रही है। अब यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, यानी कि ये आई थिंक ये लोकेशन सही है। सही पूछते हैं अभी इसका क्या मतलब होता है, आगे स्टॉप व्हील अलाइनमेंट। अब जो है स्टीयरिंग का एंगल, यहाँ पर स्टीयरिंग का क्या करेंगे अब अपन? अच्छा, तो अब जो है ये यहाँ पर अगली प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं कि जो टारगेट है इनको लूज कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट को लूज कर। अच्छा, तो बेसिकली इसके नीचे जो टाई रोड रहती है उसको सेट करते हैं ना, गाड़ी के नीचे दोस्तों जो टाई रोड रहती है, उससे जो हमारा अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है। उसके अंदर एक स्क्रू रहता है, अगर मैं आपको नीचे दिखा पाऊँ तो वहाँ पर एक स्क्रू रहता है, उसको ये जो है यहाँ पर सेट करेंगे। पहले तो स्टीयरिंग को लॉक कर देंगे ये सबसे पहले। देखो, मैं दिखाता हूँ इधर, ये स्टीयरिंग को करेंगे लॉक। स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्ट करने के बाद में ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अच्छा, ये मैं पास से दिखाता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये कुछ मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखो आप स्टीयरिंग को मूव कर रहे हैं। हमारा व्हील भी जो है यहाँ पर ये मूव हो रहा है। पास से देखते हैं तो देखो ये भी मूव हो रहा है, यानी कि व्हील को यहाँ पर स्टीयरिंग के द्वारा मूव कर रहे हैं। तो हमारा जितना भी इसके अंदर डिफरेंस वगैरह आएगा उसको वहाँ पर जा कर के ये जो है अलाइन कर लेंगे। तो गाड़ी चालू ही रहेगी? अच्छा, यहाँ पर ये जो है अब इसको लॉक कर रहे हैं भाई साहब। देखो, स्टीयरिंग को कर रहे हैं ये लॉक। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको डिटेल में कोई नहीं देगा जो कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी को आप ज़रूर शेयर करेंगे। और स्टीयरिंग को इन्होंने कर दिया यहाँ पर लॉक, ये स्टीयरिंग लॉक हो गई है ना, और गाड़ी भी ऑफ कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। गाड़ी से बाहर आने के बाद में अब अगला जो ये करते हैं, जनरली क्या है, हम चले आते हैं शॉप के ऊपर और हमें पता नहीं होता है कि हम अलाइनमेंट करवा के आए हैं तो गाड़ी के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है। तो देखो आप अभी क्या हो रहा है, ये अभी इंटरनल इसका देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा, तो इसमें कुछ गड़बड़ है अपना अलाइनमेंट? ये पीछे वाला तो सही है आपका। हाँ, पीछे वाला कौन सा आ गया? ये पीछे इधर, ये यहाँ पे ग्रीन बता रहा है जो है, ग्रीन है, सही है। हाँ, अभी आगे का, ये आगे का आपका अलाइनमेंट सही है, मतलब सही है। आगे पीछे दोनों सही है, सब सही है। और ये जो लाल बता रहा था अभी वहाँ पे, वो क्या था?
वो तो जैसे इसके इंजन के पास रहता है ना, वो ऑयल डलता है उसका है वो। अच्छा हाँ। बाकी हमारा अलाइनमेंट ओके है। तो दोस्तों अगर आपका अलाइनमेंट ओके है तो यहाँ पर सारे खाने जो है वो ग्रीन ग्रीन आ जाएंगे, मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर गड़बड़ होता है तो रेड आता होगा, रेड आ जाता है, रेड आ जाता है, तो उसको वो जो है एडजस्ट करते हैं।